जनपद संभल के चंदौसी में एक सप्ताह पहले शुभम अग्रवाल के आह्वान पर आयोजित आंशिक धरने के दौरान 15 दिन में काम समाप्त करने की बात जल निगम अधिशासी अभियंता ने की थी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी कार्य को गति न मिलने एवं सड़कों की हालत और बद से बदतर होने की स्थिति में आज व्यापारी नेता अरविंद गुप्ता MDH के फड़ियाई बाजार स्थित प्रतिष्ठान पर जल निगम के अधिशासी अभियंता MP सिंह एवं सहायक अभियंता देवेंद्र कुमार एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजकुमार JK अग्रवाल को बुलाकर कार्यवाही न होने का कारण जानना चाहा। काफी जद्दोजहद के बाद 10 दिन का समय अधिशासी अभियंता ने मांगा, जिसको उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने 15 दिन का करके सभी सड़कों को दुरुस्त करने का लिखित में आश्वासन लिया और इस बीच नई कोई सड़क नहीं खोदने की भी बात रखी गई। नगर अध्यक्ष गिरीश रतन ने बताया कि अगर लेखक के अनुसार 15 दिनों के अंदर ये काम पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग इनके खिलाफ FIR कराने को बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी जल निगम अधिकारी अधिशासी अभियंता की होगी। क्या पद है आपका जल निगम में? अधिशासी अभियंता। जैसे कि आज आपको विरोध जताया गया है व्यापारियों द्वारा, आपसे बात भी की गई है, आपने समय दिया है, तो क्या कहेंगे? इसमें जो हमारी पेयजल योजना का काम चल रहा है चंदौसी में, इसमें जो लाइनें हमने डाली हैं, रोड जो खोदी गई है, वो रोडें नहीं बन पाई हैं सभी, इसी वजह से जनता में आक्रोश है। क्या कारण रहा जो न बन पाई सड़कें? लाइन टेस्टिंग नहीं हो पाई थी। टेस्टिंग अभी हुई? कुछ जगह टेस्टिंग किया? कुछ जगह टेस्टिंग हुई। कहाँ कहाँ? जैसे जैसे हमारे Zone 1 है, Zone 7 है, Zone 5 है। ये एरिया कौन सा आता है? Zone 1 जनता नहीं जानती, Zone 1 Zone 2 जनता को नाम बताइए। Zone 1 वो एरिया जो जहाँ तहसील है हमारी, तहसील के आसपास का एरिया जी, अशोक जी, जहाँ टेस्टिंग हुई वहाँ तो लाइन। आज की तारीख में पूरी हमने जो लाइन डाली पूरी चंदौसी में, लगभग 152-153 किलोमीटर लाइन डाली, उसके सापेक्ष मात्र 3.5 से 4 किलोमीटर लाइन पड़ी रह गई है। उसके रोड कुछ कटे हुए हैं, कुछ काटे हुए हैं, तो मात्र इतना ही काम बचा हुआ है। इसके बाद सभी रोड हमने लाइन रोड मार दी, रोड मोटरेबल कर दिए हैं, मतलब पक्के नहीं बनाए हैं, मोटरेबल इन द सेंस जिससे गाड़ी चल सकती है, पत्थर वगैरह डाल के जैसे। ये बताइए आप मुझे, पूरा शहर आपने खोदा हुआ है, पूरा शहर खोद के डाल दिया आपने, और पाइपलाइन कहीं पड़ी कहीं नहीं पड़ी, एक एक महीने सड़कें खुदी पड़ी हैं, वहाँ लोग गिर रहे हैं, लोगों को चोटें लग रही हैं। जैसे ही कुछ लोगों ने अभी आपके सामने भी शिकायत की है कि मेरी बिटिया के चोट लग गई थी, बेटी गिर गई थी मेरी, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोग यहाँ के आक्रोशित हैं, नाराज हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? ये गलत है, पूरा शहर खोद के डाल दिया है। जैसा कि मैंने बताया, पूरे शहर में लगभग 152 किलोमीटर करीब सड़कें हैं, जिसमें से इस समय मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर सड़कें खुदी हुई हैं। अच्छा, ये आप स्वीकार करते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है? ये तो आप मानते हैं दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों को चोट लग रही है, ऐसी कोई दुर्घटना होती है निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, तो ये बताइए, आपने कहा भी पूरी सड़कें खोद रखी हैं, तो क्या आपकी नजर में नहीं है सड़कें खोद रखी हैं? आपने कहा दुर्भाग्यपूर्ण सड़कें खोद रखी हैं। ये कहा पूरी चंदौसी में लगभग 123 किलोमीटर सड़कें हैं, सभी तरह की मिलाकर, छोटी बड़ी मिलाकर, उस 123 में से इस समय मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर सड़कें हैं जो बनी नहीं है, हमने खोदी है लेकिन बनाई नहीं है अभी तक। एक एक महीना हो चुका है, त्योहार सरभर है, 53 किलोमीटर सड़कों में से 3 किलोमीटर सड़कें, मतलब परसेंटेज निकाला जाए तो 2% भी नहीं होती। कई बुजुर्ग बीमार हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही है, धूल उड़ रही है, लोग सांस रोकते हैं, उनको दिक्कत होती है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, गिरते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उससे पहले ध्वस्तीकरण होता है। अच्छा, आपने बोर्ड कहाँ कहाँ लगाए, अपने नंबर आपने कहाँ कहाँ लिखे हैं? बोर्ड लगाने की जगह फिक्स नहीं है, हर एक बोर्ड पर नंबर। एक एक महीना हो चुका है, त्योहार सरभर है, 53 किलोमीटर सड़कों में से 3 किलोमीटर सड़कें, मतलब परसेंटेज निकाला जाए तो 2% भी नहीं होती। कई बुजुर्ग बीमार हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही है, धूल उड़ रही है, लोग सांस रोकते हैं, उनको दिक्कत होती है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, गिरते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उससे पहले ध्वस्तीकरण होता है। अच्छा, आपने बोर्ड कहाँ कहाँ लगाए, अपने नंबर आपने कहाँ कहाँ लिखे हैं? बोर्ड लगाने की जगह फिक्स नहीं है, हर एक बोर्ड पर नंबर लिखे। कहीं निर्माण कार्य होता है तो वहाँ बोर्ड लगाया जाता है ना? वही मैं कह रहा हूँ, बोर्ड लगाने की जगह फिक्स नहीं है। क्या सुविधा के लिए कहते हैं, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ खुदाई होती है वहाँ बोर्ड लगता है, वो जगह बदलती रहती है रोजाना काम के साथ। तो कितने बोर्ड आपके पास इस समय चंदौसी में मौजूद है? बोर्ड तो कम से कम 10 से 12 बोर्ड होंगे। उनकी गिनती करा देंगे आप? हाँ, करा देंगे। कब कराएंगे? आज कर लीजिए, करवा दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता 10 बोर्ड है, सिर्फ एक बोर्ड है और वही पूरे शहर में घूमता है। आप 10 बता रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ सभासद हैं, हमारे पीछे खड़े हैं, वो 2 बता रहे हैं, 2 बोर्ड है, कोई मेरे यहाँ रखे हैं, वो भी पूरे नगर में 2 बोर्ड, अब पूरा शहर आपने खोद रखा है तो लोगों को पता क्या चलेगा? वो भी पूरा शहर एक साथ थोड़ी खोदा हुआ है,
एक साथ तो मैंने जैसे अभी बताया मुश्किल नहीं, जैसे एक महीने से एक एरिया खुदा पड़ा हुआ, पाइपलाइन नहीं पड़ी, तो वहाँ तोड़ने की जरूरत क्या थी अभी, बाद में टूट जाता। हाँ ऐसा अगर एक महीने लगातार टूटा पड़ा है, जबकि मैं बताऊँ आपको, अभी किसी व्यक्ति ने फोन भी किया था यू साहब को, ये भी कहा था कि मैं योगी जी को ट्वीट करूंगा अगर नहीं हुआ, वहाँ पानी भरा हुआ था, वो लीकेज की प्रॉब्लम थी, तो वो उनका फोन मेरे पास भी आया। तो इस तरह से लोग जानते हैं, लोग भी योगी जी से बात कर सकते हैं, उन तक शिकायत पहुंचा सकते हैं। तो आपने कभी सोचा कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है? नहीं नहीं, कहीं अगर एक महीने से खुदा पड़ा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक महीने से खुदा पड़ा है तो निश्चित रूप। भाई ये जो फुवारा चौक का आसपास का एरिया है वो एक महीने से खुदा पड़ा है, वहाँ मैं रहता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ उसको। अरे कोई उसको मछली बाजार वाला एरिया आपने किया, उसको साल भर से ज्यादा हो गया, वहाँ पे 4 फीट 5 फीट का गड्ढा छोड़ रखा है, वो एक साल से नहीं किया, वो क्यों छूटा पड़ा है? जबकि मैंने खुद ठेकेदार को उसके फोटो डाले, अवगत कराया, उसके जूनी रैंक की, इतनी लापरवाही क्यों? जो क्या आप क्या कार्रवाई करेंगे आप इस पे, जिस आदमी ने एक साल से वो गड्ढा छोड़ रखा है और उसको कंप्लीट नहीं किया, वहाँ लोग गिर रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, मैं खुद गिर चुका हूँ वहाँ पर, तत्काल ठीक कराया जाए। नहीं, ठीक के साथ साथ उसको पनिशमेंट क्या देंगे आप जिसने ये छोड़ा है? कार्रवाई करिए, मैं फिर आपसे फोन करके पूछूंगा आपने क्या कार्रवाई की। जो अनुमति के साथ कार्रवाई बनती है इस मामले में। अच्छा, आपने अभी जो लिख के व्यापारियों ने आपसे लिख के साइन करा है, तो वो उसमें क्या लिखा गया है आपकी जानकारी में है? हाँ, आपके सामने लिखा गया, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो मैंने। हाँ, क्या लिखा है उसमें और क्या है उसमें? आपने कितना समय मांगा है अपने? 15 डेज। जो सड़क 15 डेज के बाद भी अगर नहीं होता है कम्प्लीट, तो क्या उसके लिए क्या फिर क्या प्रावधान है? FIR की बात कही गई है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी, जो हमने 15 डेज मांगा उसके अंदर काम कर दिया। व्यापारियों और बताओ अगर 12 दिन के अंदर एक्सीएन महोदय के वाले के अनुसार चंदौसी नगर की सड़कों की मरम्मत ठीक तरीके से नहीं की जाती है, तो व्यापार मंडल के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की ओर से और आम जनमानस की ओर से इन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जाकर इनकी बात रखी जाएगी और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। अच्छा, ये जो अधिकारी समय मौजूद बैठे हैं, आप लोग जिनसे वार्ता कर रहे हैं, ये कौन है, क्या पद है इनका? ये जनगण के XCN महोदय और AE महोदय यहाँ लोग आए हुए हैं, नगर पालिका से संबंधित EO महोदय आए हुए हैं। इसके बाद पिछले दिनों ये भी बात कई बार कोई माफी नहीं है इसके बाद, तमाम बच्चे तमाम व्यापारी शहर में गिर चुके हैं, उनसे परेशान होकर व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारियों ने DM साहब के समक्ष जाकर ये अपनी परेशानी को रखा। उन्होंने जो है तत्काल रूप से उन्होंने तत्काल रूप से जल निगम के अधिकारियों को फटकारा और आज उसी परिप्रेक्ष्य में उसी विषय को लेकर व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ आज ये बैठक की गई है, जिसमें XCN महोदय ने 12 दिन का हमसे समय लिया है।